अगर आप आज ही डिसाइड कर चुके हैं कि अपने लैपटॉप से अर्निंग करना चाहते हैं और उसके लिए आपने ब्लॉग का ऑप्शन का चुनाव किया है तो उस हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आज रामजी टेक चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप से अर्निंग कैसे किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, लैपटॉप से अर्निंग करने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी एक तरीके के ऊपर जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए यदि आप अपने लैपटॉप से अर्निंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देख सकते हैं कि लैपटॉप से ये जो मैंने पांच तरीके बताए हैं, ये पांच तरीके से आप अपने लैपटॉप से घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो सबसे आसान तरीके से आप कैसे ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हैं, किसी वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं या फिर एनएफटी से अर्निंग कर सकते हैं। आप ज्यादातर जो है, अगर आप यूट्यूब पर एक्टिव होंगे तो आप देखते होंगे कि वहां पर जो लोग पैसे कमाने के बारे में डिस्कस करते होंगे उनमें से ब्लॉग और वीडियो, ठीक है, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट इस पर आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई यूट्यूब से वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हो, अपने लैपटॉप से ब्लॉग से भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन बंदा थक हार कर जब स्टार्ट करता है, उसकी एक्शन लेने की बारी आती है, तो वो होती है या तो वीडियो या तो ब्लॉग। ओके, लेकिन इनमें भी उनके पास कोई जानकारी नहीं होती, वो तुरंत आते हैं। यदि वीडियो बनाना चाहते हैं तो अपना एक YouTube चैनल क्रिएट करके तुरंत वीडियो बनाना चालू कर देंगे, फिर ग्रोथ नहीं होगा, छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे। और वैसी तरीके से ब्लॉग पर होता है, उनके वो आते हैं फ्री में स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉग, और ब्लॉग जो है स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन पूरी जानकारी ना होने के कारण वे लोग छोड़ देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। मेरे YouTube चैनल यानी कि रामजी टेक पर ही कई सारे जो है लैपटॉप से या मोबाइल से कैसे अर्निंग करते हैं इसके बारे में वीडियो बना हुआ है। उसमें से एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि ये सब फेक है, लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपना ऑनलाइन अर्निंग करता हूं, तो ये फेक नहीं है। लेकिन आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, यदि आप जो है इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो पूरा ध्यान से सारी चीजों को समझना चाहिए। चलिए, अभी इस वीडियो में लैपटॉप से अर्निंग करने के बारे में बात हो रही है, तो हम इन सभी टॉपिक्स में से इन सब को हटाकर हम सीधे सीधे ब्लॉग पर ले जाते हैं और ब्लॉग के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो आपके पास होने चाहिए यदि आप ब्लॉग से कमाई करना चाहते हैं। सिर्फ शुरुआत कर देना ही काफी नहीं है, आपको समझना होगा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि बिना कुछ काम किए, बिना वर्क हार्ड किए यदि आप इस पर काम नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते हैं। ये जी हाँ, लोग बोलते हैं ऑनलाइन पैसे कमाना बहुत आसान है। आसान नहीं है, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद से आसान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो आपको हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के, मेहनत के आपको सफलता हासिल नहीं होने वाली है। तो चलिए, हम यहाँ पर टॉपिक से भटकेंगे नहीं, लैपटॉप से पैसे कमाने के बारे में हम यहाँ पर आपको ब्लॉग के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉग के लिए, ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये ब्लॉग होता क्या है। ओके, मतलब ब्लॉग के बारे में जानना पड़ेगा कि ये ब्लॉग होता क्या है। आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि गूगल में जाते हैं और वहां पर सर्च करते हैं, कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, तो ये गूगल का पेज है और यहाँ पर कुछ चीजें मतलब वेबसाइट लिंक वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो कुछ ये जो सर्च करते हैं वहां पर जो वेबसाइट लिंक आ जाती है, पहला तो ये जो है एड आता है, एड को छोड़कर नीचे जाएंगे तो देखते हैं कि मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर सर्च करते हैं लैपटॉप से अर्निंग कैसे करें, तो वहां पर आपको कुछ आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल मतलब लेख आते हैं, ठीक है, लिखावट मतलब लिखा हुआ होता है कि भाई इससे पैसे कमाए, पांच तरीके से कमाए, 20 तरीके से लैपटॉप से अर्निंग करें, तो उस पर क्लिक करके आप उसको पढ़ते हैं। यदि आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी मतलब उसमें दिखा रहेगा, यदि
आप उसको हिंदी में, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आजकल तो गूगल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गया है, तो वहां पर आपको आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहां पर खुद ही हिंदी में ही दिखाई देगा कि लैपटॉप से 5 तरीकों से पैसे कमाए, 10 तरीकों से पैसे कमाए। तो उस पर आप क्लिक करके जब आप खोलकर उसको पढ़ते उसमें से जानकारी लेते हैं, दैट इज ब्लॉग। ठीक है, वो एक पेज है, वो एक वेब पेज है, किसी वेब पर रहता है इसलिए उसको वेब पेज कहते हैं। उस पर जो इन्फॉर्मेशन है, उस पर दी हुई जानकारी है, उसको आर्टिकल कहते हैं, और वो पूरा पूरा एक तरह से व्लॉग होता है, उसी को हम कहते हैं व्लॉग। तो आप भी उस तरीके का ब्लॉग बनाकर अपने लैपटॉप से पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर एक रूम है तो वहां पर बैठकर आप ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए, ब्लॉग क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब ब्लॉग, अब देखिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, अब ये चीज किसी डोमेन पर खुलती है, किसी भी वेबसाइट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक तरह से एक मतलब वेबसाइट खुल जाती है। उस वेबसाइट का जो नाम होता है, जैसे मतलब मान लीजिए कि megahindi.com, ये हमारा ब्लॉग है इसलिए मैंने याद कर लिया megahindi.com। मान लीजिए आपको न्यूज पढ़ना है तो gnews.com, aajtak.in वगैरह ऐसे खुल जाता है। तो वो डोमेन होता है, तो उस डोमेन को, उसी डोमेन पर सब कुछ होता है। तो वो डोमेन और उस पर खुलने वाला वेब पेज, यानी कि ये जो चीज खुल गई है उस पर लिखने वाला जो बंदा लिखता है, जो बंदा उसको मैनेज करता है, डिजाइन करता है, उसको एसईओ करता है, यानी कि गूगल सर्च में उस ब्लॉग को रैंक कराता है ताकि हम जैसे ऑडियंस वहां तक पहुंच सके, उस पूरी प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं। उस मतलब एक तरह से मान लीजिए कुछ काम होता है तो उस काम को हम कहते हैं कि ये इस तरीके का काम है, इस कैटेगरी का। तो उस जो है उस काम को हम जो है ब्लॉगिंग कहते हैं, और जो बंदा उस काम को करता है, जो बंदा उस ब्लॉग को मैनेज करता है या फिर उसको लिखता है, उसमें जो भी त्रुटियां है उसको शुद्धि करता है, सही करता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है, तो उसको हम जो है ब्लॉगर कहते हैं। क्लियर हो गया कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है। ओके, क्लियर हो गया ना। अभी हम जानेंगे कि अगर आप आज ही डिसाइड कर चुके हैं कि अपने लैपटॉप से अर्निंग करना चाहते हैं और उसके लिए आपने ब्लॉग का ऑप्शन का चुनाव किया है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए।